भारत का उड़ीसा प्रदेश अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर काफी आस्था है। इस मंदिर में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है और ये चार धामों में से एक है। लोक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रदुमन ने इस मंदिर की स्थापना की। माना जाता है कि भगवान खुद उनके सपने में आए और उन्हें मंदिर निर्माण करने को कहा था। ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। इससे जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास में नहीं है। आज हम आपको इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी आठ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का झंडा काफी अनोखा है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत उड़ता रहता है। हवा जिस दिशा में बहती है झंडा इसकी विपरीत दिशा में उड़ता है। अब तक लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि इस बात के पीछे क्या रहस्य है। मंदिर पर लगा चक्र। मंदिर पर लगा चक्र 20 फीट ऊंचा है और 1 टन से ज्यादा भारी है। ये चक्र मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ है, लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र हुआ है आपकी ओर घुमा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ऊपर से ना तो कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से गुजर पाता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया। इस मंदिर की लाजवाब इंजीनियरिंग का एक और नमूना यह है कि दिन के किसी भी वक्त मंदिर की परछाई नहीं बनती, यानी पूरे दिन में आपको मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देगी। कई लोग इसे मंदिर के बेहतरीन डिजाइन का कारण बताते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये भगवान की शक्ति है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में चार द्वार हैं। इन चार द्वारों में से मुख्य द्वार का नाम सी द्वारम है। जब श्रद्धालु सी द्वारम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब उन्हें समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, मगर द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की गर्जना गुम जाती है और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं आती है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप समुद्र के पास मौजूद होंगे तो आप पाएंगे कि दिन के वक्त समुद्र से मैदान की ओर आवाज़ चलती है, जबकि शाम के वक्त मैदान से समुद्र की ओर आवाज़ चलती है। लेकिन पुरी में समुद्र के पास की हवा की चाल भी बदल जाती है, यहाँ इसका उल्टा होता है। मंदिर का एक अनोखा रिवाज है जिसे जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन एक पुजारी मंदिर में सबसे ऊपर चढ़ता है। मंदिर में ऊपर चढ़ना जैसे किसी इमारत की 45वीं मंजिल तक चढ़ना है। पुजारी मंदिर के ऊपर लगे झंडे को हर दिन बदलता है। माना जाता है कि ये रिवाज बीते 1800 सालों से चल रहा है। अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में 2000 से 20000 श्रद्धालु कभी भी आते हैं, लेकिन मंदिर में बनने वाले प्रसाद की मात्रा पूरे साल एक ही होती है। इसके बावजूद प्रसाद ना तो कम पड़ता है और ना ही ज़्यादा बन जाता है। प्रसाद को बनाने की भी अलग तकनीक होती है। इन प्रसाद को पोट में बनाया जाता है। इसके लिए आग पर 7 अलग अलग पोट रखे जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ पोट या बर्तन में पक रहा प्रसाद सबसे पहले बनता है और उसके बाद नीचे के प्रसाद पककर तैयार होते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।